हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है केमिस्ट्री विद दुबे सर चैनल में। आज लेकर आए हैं हम आप लोगों के लिए पीजीटी टीजीटी 2020-21 का क्वेश्चन पेपर। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, अति शुद्ध आर्गन गैस से लेस मात्रा नाइट्रोजन से मुक्त करने हेतु सबसे उपयुक्त क्षार धातु होती है लिथियम। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, लिथियम होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, यदि 3 ग्राम यूरिया को 45 ग्राम जल में घोला जाता है तो वाष्प दाब में सापेक्ष कमी होगी। कितनी होती है कमी, 0.02 की कमी होती है। ठीक है, 3 ग्राम यूरिया को 45 ग्राम जल में घोलने पर। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, पोटेशियम परमैंगनेट में गहरे रंग उत्पन्न होने का कारण है क्या होता है आपका, होता है आवेशित स्थानांतरण संक्रमण। क्या होता है, आवेशित स्थानांतरण संक्रमण। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आवेशित स्थानांतरण संक्रमण आंसर होता है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका अगला क्वेश्चन, प्रकाश रासायनिक तुल्यता केवल प्राथमिक प्रक्रियाओं के लिए उपयुक्त किया जा सकता है। इसका व्यापक कथन को देने वाले थे कौन थे, वैज्ञानिक का नाम बताना है, स्टॉर्क हैं, बी वाला है, या फिर आइंस्टीन है, या फिर ग्रोथर्स हैं। इसका आंसर होगा आपका बी, वुड स्टेंस होंगे। कौन होंगे, बी वाले होंगे इसमें आंसर। चौथे का आंसर क्या हो जाएगा, बी। पांचवा क्वेश्चन है, सल्फर के प्रावस्था आरेख में त्रिक बिंदुओं की संख्या है कितनी होती है, 6, 3, 2, 1। इसका आंसर होगा बी, 3। कितना होगा, 3। इसके बाद आता है, किसने सर्वप्रथम पेप्टाइड संश्लेषण के लिए फिनाइल आइसोसाइनाइड का उपयोग किया था, किसने किया था सबसे पहले, फेहर एडमैन ने। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसके बाद आइए सातवें क्वेश्चन पर, हिम शीतलक H2SO4 50% के प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के मध्य उच्च विद्युत धारा घनत्व पर विद्युत अपघटन में एनोडी ऑक्सीकरण देते हैं, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी, मार्शल का अम्ल। कौन सा हो जाएगा इसका आंसर, मार्शल का अम्ल, H2S2O8, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, H2S2O8। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जूल थॉमसन गुणांक μJT का व्यंजन है, कौन सा हो जाएगा इसका आंसर, डी, μJT इक्वल टू -ΔH/ΔV ब्रैकेट की बार टी अपॉन CP। इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, तरल अमोनिया में सल्फाइमिक एसिड का व्यापक किस तरह का होता है, डाइवेसिक अम्ल होता है। कैसा होता है, डाइवेसिक अम्ल होता है। आंसर इसका क्या रहेगा, सी, डाइवेसिक अम्ल। उसका तरल अमोनिया में सल्फाइमिक एसिड का व्यवहारिक कैसा होता है, डाइवेसिक अम्ल होता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है दसवां, 3 विषम चक्रीय यौगिकों में उदाहरण फ्यूरिन पायरन एंड थायमिन में एरोमेटिक का क्रम होगा, तो थायमिन पहला होगा इसका, कौन सा होगा, ए, थायमिन पायरोल फ्यूरॉन। ठीक है, फ्यूरॉन। ठीक है, इसके बाद आता है ग्यारहवां, निम्न में से कौन सा एक AH2S3 कोलाइड के लिए सबसे अधिक स्कंदन क्षमता रखता है, Al3+ के लिए, बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है, निम्न अभिक्रिया का उत्पाद ए और उत्पाद बी क्रमशः क्या होगा, इसमें आपका रहेगा, सोडियम को अपन गर्म करेंगे क्लोरीन के साथ, तो हमें सबसे पहले प्राप्त होगा NaClO3 और उसके बाद आपको प्राप्त होगा CaOCl का होल ट्वाइस। ठीक, सी होगा इसका आंसर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 13, कौन माध्यमिक एंथ्रेसीन से अभिक्रिया करके ट्रिप्सिन बनाता है, कौन बनाता है, वेंजाइन बनाता है, कौन बनाता है, वेंजाइन बनाता है। इसके बाद आता है, क्रिस्टल समुदाय को चुनिए, किसको चुनना है, क्रिस्टल समुदाय को चुनिए जिसमें कोई भी सम्मित नहीं है, कौन नहीं है इसमें, ट्राइक्लिनिक नहीं है, क्या नहीं है इसमें, ट्राइक्लिनिक नहीं है। ठीक है, इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन है, कक्ष तापक्रम पर कार्बन डाइऑक्साइड का CV बराबर है, मान लीजिए कि कक्ष तापक्रम का कंपनी योगदान 20% है, तो इसका आंसर हो जाएगा 27.44
जूल प्रति केल्विन मोल होता है। ठीक है, इसके बाद आता है 16वां क्वेश्चन, 27 डिग्री पर एक खुले बीकर में जलीय HCl में जस्ते का एक मोल घोले जाने में किया गया कार्य है कितना है, 2.494 किलो जूल होता है। ठीक है, इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन 17वां, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या ऑक्सीजन की उपस्थिति में मेथेन के क्लोरीनीकरण की गति कम कर देती है, तो इसमें क्या बन जाएगा आपका CH3O सिंगल बॉन्ड O फ्री रेडिकल्स बनाता है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका अगला क्वेश्चन C6H5CONH2+P2O5 के लिए अपन गर्म करेंगे तो क्या बनेगा उत्पाद C6H5CN मतलब बेंजीन साइनाइड का प्राप्ति होती है। इसके बाद आता है आपका अगला क्वेश्चन Re2Cl8 का पावर 2- के पास दो Re के मध्य चार बंद होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा D। इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन SI पद्धति में एक विशिष्ट चालकता की इकाई है क्या होती है, सेकंड प्रति मीटर। इसके बाद आता है निम्नलिखित में किसमें डी कक्षीय अनुनाद संभव है, CCl3- क्या होता है CCl3-। इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन आपका है, इसमें आपके लिए इन्होंने क्या दिया हुआ है, डेल एच एफ का फॉरवर्ड दिया है और बैकवर्ड भी फॉरवर्ड दिया हुआ है, इसमें HCl घोलने की एंथैल्पी बतानी है, तो इसका आंसर रहेगा C-75.8 किलो जूल। ठीक है, इसमें इसके बाद है निम्नलिखित में से किस मेटालो एंजाइम में जिंक नहीं होता है, नाइट्रोजेनेस में नहीं होता है, किसमें नहीं होता है, नाइट्रोजेनेस में नहीं होता है, ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, यदि प्रथम कोटि की अभिक्रिया ए उत्पाद के लिए अर्ध आयुकाल का मान 200 सेकंड है तो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक होगा कितना होगा, 3.46×10⁻³ प्रति सेकंड होगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है 25वां, निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा एक क्षमांक उत्प्रेरक को समझाने में प्रयुक्त होता है, कौन सा होता है, ए कौन सा, इंटरमीडिएट यौगिक सिद्धांत, कौन सा रहता है इसमें, इंटरमीडिएट यौगिक सिद्धांत समझाने में रहता है। ठीक है, इसके बाद प्रथम जो डायनामिक होता है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस पर आधारित होता है, प्रायोगिक तथ्य पर आधारित होता है। इसके बाद आता है निम्नलिखित में से कौन सा डायल्स एल्डर अभिक्रिया देता है, फ्यूरॉन, डायल्स एल्डर अभिक्रिया कौन सा देता है, फ्यूरॉन देता है। इसके बाद आता है आपका निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया वाई ओर बने रहना चाहिए, ठीक है, चाहेगी, कौन सी चाहेगी, VF2+HgI2=, क्या हो जाएगा, HgF2+VEI2, ठीक है, सी वाला इसका आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आता है 29वां क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस एक का जल अपघटन अधिक शीघ्रता से होता है, CH3OCH2Cl से होता है। ठीक है, इसके बाद आता है निम्नलिखित अभिक्रिया में उत्पाद P को इग्निट कीजिए तो इसका आंसर रहेगा A। ठीक है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, केवल आपके जो डबल बॉन्ड रहेंगे उसमें CH2 आपका निकल जाएगा तो आपको मिल जाएगा A। इसके बाद आता है निम्न में से कौन सा हेलोफॉर्म अभिक्रिया नहीं देगा तो आपका रहेगा D। CH3 single bond CH2 single bond C double bond O single bond CH2 CH3 आपका रहेगा। ठीक है, इसके बाद आता है आपका अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक, अब आता है आपका 32वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक वास्तविक गैस के आदर्श गैस की तुलना में कम दाब के लिए उत्तरदायी है, कौन सा रहेगा, अंत आणविक बल। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका ये वाला आपका क्वेश्चन आप देख लेना 33वां, इसमें आपका रहेगा हरा लाल और नीला। इसके बाद आता है अगला 34वां क्वेश्चन,
अभिक्रिया है, इसमें कौन सी अभिक्रिया की कोटि आपको पूछी गई है, तो कोटि कौन सी होगी इसमें, इसमें देखो एक मॉलिक्यूल सी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है तो इसकी कोटि कौन सी होगी, एक अभिक्रिया की कोटि, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, एक अणु की कंपन गति निम्न के बराबर ऊर्जा से युक्त होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा केल्विन ताप, कौन सा हो जाएगा केल्विन ताप। इसके बाद आता है 36वें क्वेश्चन में आपको उपर्युक्त अभिक्रिया कौन सी है, ये अभिक्रिया कौन सी शो करती है, इस अभिक्रिया का नाम हो जाएगा रिडक्टर कार्बोनेलेशन अभिक्रिया, ठीक है। इसके बाद आता है आपका अगला क्वेश्चन 37वां, PCl5 का अमोनिया के साथ रिएक्शन करा दो तो क्या बनेगा आपका बी, कौन सा बन जाएगा बी, PnCl2 का होल 4 प्लस 12HCl बनेगा, ठीक है। इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस आयन की हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी वाला, BrF2 माइनस आयन्स की आपकी क्या रहेगी sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन रहेगी, ठीक है। इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन का आंसर रहेगा जब अपन इसकी रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा अपन का RR, इस प्रकार का ये स्ट्रक्चर बनेगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित यौगिक दिए हैं इनका क्रम बताना है, अम्लीयता का क्रम, तो सबसे पहले आपका आएगा चौथा वाला, फिर तीसरा, फिर पहला और फिर दूसरा, ठीक है। इसके बाद आता है, निम्न में से किस यौगिक समूह की स्थिरता सबसे ज़्यादा है, तो स्थिरता आपके सी वाले की सबसे ज़्यादा स्थिरता नहीं रहेगी, सबसे ज़्यादा स्थिरता रहेगी ए वाले की, ठीक है। इसके बाद आता है आपका, प्रोटीन की अल्फा कुंडली संरचना स्थायित्व प्राप्त करती है, कौन सी, हाइड्रोजन बंध की द्वारा प्राप्त करती है, क्योंकि हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा वीक बॉन्ड होता है, वो जल्दी ब्रेक हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है 43वां क्वेश्चन है आपका, इन दोनों में कंपाउंडों का आकार क्रमशः क्या होगा, आकार बताना है, पहले का होगा पिरामिडल और दूसरे का होगा प्लेनर, ठीक है, दूसरे का कौन सा होगा, प्लेनर होगा। इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन 44वें का क्वेश्चन है बेटा, फजान के नियमों के अनुसार नीचे दिए हुए क्षारीय धातुओं के क्लोराइडों में सबसे कम गलनांक प्रदर्शित करने वाला होगा, कौन सा होगा, सबसे कम गलनांक वाला मैग्नीशियम क्लोराइड, कौन सा होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड। इसके बाद आता है 45वां क्वेश्चन, बेड रंजक का उदाहरण मैथिल ऑरेंज होता है, कौन सा होता है, मैथिल ऑरेंज होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैथिल ऑरेंज। इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस यौगिक की वेलन जैसी सममिति होती है, इथेन की होती है, किसकी होती है, इथेन की, ठीक है। इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, एटायर्ड अभिक्रिया कहते हैं, इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, एटायर्ड अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद आता है 48वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक आदर्श गैस के लिए दबाव गुणांक को प्रदर्शित करता है, इसका होगा एक, आंसर कौन सा इसमें होगा, पहला, कौन सा होगा, पहला। इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, एसिडिक वेश अवधारणा पिघली हुई स्थिति में निम्न में से कौन सा होगा, लक्स फ्लॉर्ड अवधारणा के लिए, किसको होगा, लक्स फ्लॉर्ड अवधारणा के लिए होगा। इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, क्वांटम लुब्धि दो वाली प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया चुनिए, तो इसका आंसर होगा सी, कौन सी होगी, HBr की रिएक्शन कराओगे जब सनलाइट की प्रेजेंस में, तब अपन को हाइड्रोजन और ब्रोमाइड आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ये आपके PGT के क्वेश्चन थे आपके, जो कि आप लोगों के लिए GIC में भी आपको आ सकते हैं, और साथ ही साथ में जो आपका आश्रम पद्धति वाला है लेक्चरर प्रवक्ता वाला, उसमें भी आ सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों के लिए वीडियो पसंद आई होगी, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, इस प्रकार की वीडियो आप लोगों को मिलती रहेंगी। ओके, धन्यवाद।